वेलकम टू द जीके टेक्नोलॉजी चैनल। मैं हूं नीत गुरुजी, एक और लेकर आया हूं आपके लिए गर्मा गर्म वीडियो नीत के लिए, क्योंकि इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है मिथेनॉल एंड इथेनॉल से। ठीक है जी, मिथेनॉल एंड इथेनॉल से इसके कमर्शियल प्रोडक्शन एज वेल एज कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ ये लाइन ध्यान कर लो, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि एक्शन ऑफ जाइमास इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल फॉर्म्ड एक्सीड 14%। ये ध्यान रख लो, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं भाई मिथेनॉल। तो मिथेनॉल को हम कहते हैं वुड स्पिरिट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। एक तो ये हो गया। तो टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड CR2O3। ठीक है, ये कैटालिस्ट ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो ये तुम्हारा मिथेनॉल यहाँ बन जाता है। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मिथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एंड बॉइल्स एट 337 केल्विन। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। अब यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं कि मिथेनॉल जो है हाईली पॉइजनस इन नेचर है। इंजेशन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस। अब तुमने देखा होगा गाँव वगैरह में जो दारू वगैरह पी लेते हैं लोग नकली, उसमें इथेनॉल की जगह मिथेनॉल मिला होता है, तभी वहाँ पे अंधेपन की बीमारी हो जाती है। तो ये चीज़ है भैया मिथेनॉल। लार्ज क्वांटिटीज कॉजेस इवन डेथ। तो नकली दारू जो डेथ वगैरह की न्यूज आती है न्यूज़पेपर में, वो यही है ब्लाइंडनेस का रीज़न। तो मिथेनॉल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट्स, ठीक है, वर्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, अब इथेनॉल की बात कर लेते हैं। इथेनॉल क्या है कि इथेनॉल C2H5OH इसका फार्मूला है, ऑब्टेन कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। इसका मोस्ट कॉमन मेथड है फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम सुगर्स, ठीक है। द सुगर इन मोलासेस सुगर केन और फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बोथ ऑफ विच हैव द फार्मूला C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टाज। ठीक है, जो भी सुगर है उसके अंदर इनवर्टाज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटेगा। उसके बाद जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमास की प्रेजेंस में ये यहाँ पे इथेनॉल बना देगा। तो ये है, और ये वाइन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज है भाई इसका। वाइन इंडस्ट्री सारी इसी पर डिपेंडेंट है। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन कराते हैं, तो टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो ये लाइन फिर से ध्यान रखेंगे। द एक्शन ऑफ जाइमास इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल फॉर्म्ड एक्सीड 14%। तो ये दो एल्कोहल कमर्शियली वायबल है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। मिथेनॉल एंड इथेनॉल बहुत बड़ा यूज है रिसर्च इंडस्ट्री में भी। और उसके बाद तुम्हारा इथेनॉल का देख रहे हो अल्कोहल, ये तुम्हारा जो आजकल सैनिटाइजर वगैरह बन रहा है इसका, तो इथेनॉल का अल्टीमेटली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इस चैनल पे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लगाई गई है, नीट एस्पिरेंट के लिए डायरेक्टली हेल्पफुल होने वाली है, बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट और रैंक इंप्रूव होने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।